श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जो हफ्तावारी विशेष गुरमत दीवान सजदे ने, इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई सरबजीत सिंह जी हजूर दी अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करा रहे सन। आओ जो समुचे सिख जगत ने देश प्रदेश विच और खास करके तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर दा 350 साल आगमन गुरपुरब बहुत श्रद्धा भावना और अकीदत नाल मनाया है। उस संबंध विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आप जी आप विच वरतो तरस करके अपनी सिव तो सलाह आप ही करा लवो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज
उन्हां दी इस मात लोक दी जो फेरी है मृत मंडल दा जो वक्त है समा है वो तकरीबन 42 साल बनता है। इस विच हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की आगमन धरती जिसनों असी आम शब्दावली विच तख्त पटना साहब कह दें ते दासिक बेनती करदा है कि पटना साहब इसलिए केवल तख्त पटना साहब नहीं वरत्या जाता। यह ठीक है हुण शहर नूं भी कानूनन तौर पर सरकारी तौर पर भी जो शब्द दिता पहला सी पटना केवल हुण उसका नाम पटना साहब है। उंज इस तख्त का जिहड़ा नाम है वो ये है तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब। हरिमंदर साहिब नहीं उत्थे कहा जाता। जदों सिख हरिमंदर साहिब शब्द वरतदा है तो इस दे सीधे अर्थ ये ने कि दरबार साहिब पंजाब की धरती ते श्री अमृतसर साहिब विखे, पर जदों उत्थे शब्द वरत्या जाता वह है तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब। हरिमंदर जी कहा गया उस तख्त नूं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज 6 साल के करीब विद्वान कहिंदे आ उस धरती ते बख्शिश कीती है। पटना साहिब तो हजूर पंजाब आउंदे आ ते ओ अपनी रसना तो बोल भी बोलदे आ, मदर देश हमको ले आए भांत भांत दयन दुलराए, किन्नी अनक भांत तन रक्षा दिनी भांत भांत की शिष्या, जब हम कर्म धर्म आए देवलोक ता पिता सिधाए। अपने बचपन दियां 4 सत्रां महाराज दर्ज करदे आ कि सानू अनेकां तरह की भांत भांत की सिक्ख्या दित्ती गई। उस तो बाद दासिक बेनती करिया शुरुआत असी करनी है लड़ी दी, ते केवल इतिहास नहीं सतगुरु के जीवन नाल उन्हां दे दित्ते हुए जिहड़े सिद्धांत ने जां उपदेश ने आपां ज्यादा तवज्जो उहदे वल देंगे। महाराज 29 साल के करीब, मैं करीब लफ्ज तां वरतना हुन्ना क्योंकि कई बारी कुछ दिनों का महीनों का फर्क पैंदा है। 29 साल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री आनंदपुर साहब की धरती ते विराजमान होए। यह आप सब नूं पता है कि आनंदपुर साहब का जिहड़ा नगर है इसका पहला नाम माखोवाल सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह जमीन खरीदी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहलूर भी शब्द वरत्या अपनी रचना च कि बंध्यो आनंदपुर गांव का जिक्र किया महाराज जी ने। इस माखोवाल के नाँ ते जिहड़ा शहर वसाया इसका नाम रख्या गया चक नानकी। फिर बेनती सुनियो, नानकी शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता का नाम है, इस करके इस पिंड का नाम रख्या चक नानकी। विद्वान कहिंदे आ कि जदों गुरु गोबिंद राय जी, चलो असी गोबिंद राय शब्द वरतांगे, उंज वैसे याद रखियो हुक्मनामिया च गोबिंद दास शब्द है। जिहड़े पटना साहब हुक्मनामा है गुरु तेग बहादुर साहब ढाके तो लिखदे आ महाराज जी के आगमन वेले बेटे के जन्म वेले, तो उत्थे लिखदे ने गोबिंद दास के जन्म की बधाई हो। जदों असीं हजूर दा रचना भी पढ़ने हाँ कि सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गए की लाज यस गोबिंद दास तुहार, शब्द उत्थे महाराज जी ने दास ही वरत्या है। खैर दास बेनती करे कि महाराज सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब की धरती ते पहला ये चक नानकी सी, माखोवाल सी, माखोवाल तो चक नानकी सी। उस तो बाद जदों महाराज पटना साहब तो चक नानकी आए आ, प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते आ कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिता जी ने देखा, क्योंकि महाराज गुरु तेग बहादुर साहब पटना मिल के आप पहला पंजाब आ गए सन। उत्थे जदों पिता ते पुत्र दी मिलनी हुई जिहड़े शब्द वरते पिता जी ने मत्था टेक के आनंद भया मेरी माए
सतगुरु मैं पाया, वह कहने ता इसका नाम श्री आनंदपुर साहब रख दिता गया। खैर मैं उंज बेनती करा कि गुरु घर अंदर तकरीबन जिन्ने अस्थाना दे नाम रखे गया, हर अस्थान दे नाल तकरीबन जो महाराज जी दे वेले रखे गए, उस नाम विच परमात्मा दी रब दी गुरु दी याद है। जिमें ननकाणा साहब असी कहने, चलो असी शब्द ननकाणा ही वरतने पंजाबी च, पर उंज ननकाणा साहब कहा जाता है। इहदा नानक आयण, ऐण दा लफजी अर्थ हुंदा है जी घर। ननकाणा दा अर्थ है गुरु नानक साहब जी दा घर। राय भोए दी तलवंडी सी, सब नूं पता है इस नाम नूं ननकाण गुरु नानक साहब दा घर है। इहदे बारे कहा जाता है राय बुलार ने यह शब्द कहा सी कि गुरु नानक साहब दा घर है, मेरे बाप दा घर नहीं। बेनती करा महाराज जी ने जे करतारपुर वसाया दे, देखो ते करते दी याद है। दो करतारपुर ने आप सब नूं पता है, एक करतारपुर गुरु नानक साहब ने वसाया जो अज देश दी वंड विच रावी तो पार पाकिस्तान विच है। एक करतारपुर गुरु अर्जुन देव महाराज जी की बख्शिश है जो जलंधर के नज़दीक है, जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शादी हुई है। महाराज ने ना रखा कीरतपुर साहब, किडे प्यारे ना रखे जी। ये आनंदपुर साहब मैं कल परसों भी कहा सी, ये शिखर है जी सिक्खी का। अखीर ते सिख ने जिस मंजिल ते पहुंचना है वह आनंद है। बेनती करा इत्थे महाराज आनंदपुर साहब तकरीबन 29 साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने बतीत किए ने अपने जीवन दे। इस विचों कोई समा असी देखने महाराज कुरुक्षेत्र जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पर हजूर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह 29 साल महाराज जी ने आनंदपुर साहब बतीत किए। आने वाले असी दिन देखांगे 3 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना साहब की धरती ते रहे ने। सन 1685 तो लैके तकरीबन 88 तक का समा बनता है, 3 साल का वक्त बनता है जी महाराज जी का। वह पौंटा साहब की धरती ते रहे ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना विच इस शहर का जिक्र भी किया है कि देश चाल खमते पुन भई शहर पावटे की सुध लई। नाली ये भी क्या कलंदरी तट करे बिलासा, कलंदरी का लफजी अर्थ यमुना, यमुना के किनारे ते अनेकां बिलास किते कौतक किते। कलंदरी तट करे बिलासा अनक भांत के पेख तमाशा, तैं कह सिंह घने चुन मारे रोज रीश बहु भांत बतारे। महाराज कलंदरी दे किनारे ते पटना साहब की रमणीक धरती नेड़े जंगल सी, उत्थे शेरां दे शिकार का भी जिक्र किया है। बेनती करा महाराज उस तो बाद फिर सतगुरु आनंदपुर साहब छड़दे आ, लंघदे मालवे की धरती तो दिल्ली तो राजपुताने तो निकलदे हजूर नदेड़ की धरती ते पहुँचदे आ। उत्थे हजूर पंज भूतक चोले नूं संकोचदे होए सदीव का लई शब्द की स्थापना गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ ला सच एवे के हजूर आप सच खंड प्याना कर जाते हैं। मैं बेनती करांगा इस 42 साल के जीवन विच गुरु गोबिंद सिंह जी लिए बड़े शब्द वरते विद्वाना ने, कुछ तो गुरुदेव ने अपनी रचना विच आप वरते, कुछ साडे वार्तक इतिहासकारा ने वरते, कुछ काव्यक ग्रंथ लिखण वालिया ने वरते, पर सब तो ज्यादा जदों गुरु गोबिंद सिंह जी का जिक्र किया जाता है, सब तो ज्यादा उन्हों का जिक्र लड़ाई के पक्षों किया जाता है। ये आप जी पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 14 लड़ाइयां लड़ियां ने अपने जीवन काल च, जे सारियां पा ली मुकसर की आखिरी लड़ाई है। हाँ एक झपट होंगी राजस्थान भी जाके जिथे भाई मान सिंह शहीद होंगे। महाराज ने 14 लड़ाइया लड़ियां ने, 22 साल की उम्र में गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहली जंग जीती है जिन्हों आप जी पंगाणी का युद्ध कहते हो। उदो महाराज जी की उम्र तकरीबन 22 साल की सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की। इत्थे हजूर दे भूआ दे पुत्र बीबी वीरो दे दो पुत्र शहीद होंगे आ, यह भी आप आने वाले दिनों च वेखा। सिर्फ मैं भूमिका ही बेनती करनी चाहना, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन का जिहड़ा पक्ष है अज भी जदों असी स्टेज तो शुरू करने हैं
मेरा ख्याल असी लड़ाई तो शुरू करने ते लड़ाई ते समाप्त करने बहुत ज्यादा। एक है महाराज जी का एक पक्ष, इसका असी चर्चा जिक्र गुरु की रचना विचों करांगे, पर मेरी एक बेनती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी लिए बड़े सत्कार योग शब्द वरते ने सिख विद्वाना ने। एक तो हजूर ने अपने लिए जड़े शब्द वरते, देखो आप रचना पढ़ते हो, महाराज कहिंदे ने मेरे आउण दा धरती ते कोई मकसद है, मैं कास लिए आया, पर किते नहीं कहा मैं धरती ते जमीन ते कब्जा करना आया, किते नहीं कहा मैं अपनी केवल हकूमत स्थापित करना आया। गुरु साहब किते अपनी रचना च नहीं लिखते मैं लोगों को गुलाम बनाना आया वा। महाराज कहिंदे ने मेरी जिंदगी का इको गोल है कि धर्म का उभार होवे, मानवता दे दुष्टां दा सिंघार होवे ते परमात्मा दी बंदगी करन वाले संत जना दी जय जयकार हो। महाराज जी ने अपनी रचना च ही कहा, असी सारे पढ़ने हां कि खम ए काज जगत मो आए, अपने आउण दा मकसद दस्या, हम ए काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, गुरदेव दा अर्थ परमात्मा वाहगुरु सानू धर्म हेत भेजिया है, हम ए काज जगत मो आए, धर्म खेत गुरदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, बिथारो दर ते प्रचारो, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो। हुण इत्थे याद रखो सतगुरु ने तुरक शब्द नहीं वरत्या, ध्यान नाल सुनियो, यह नहीं कह मैं मुगलां दी जड़ पट्टण आया वा, आ फिर शब्द सुनो, याद रखो दुष्ट दा लफ्ज़ ही अर्थ हुंदा जिहड़ी जिस बंदे दी मत दुष्ट हो जाए, जिहदी मत मारी जाए, जिहदा अंदर मैला हो जाए। ते दुष्ट दा अर्थ कदी भी एक कम्यूनिटी लई नहीं करीदा कि फलानी कम्यूनिटी दुष्टां दी है। मैं एक बेनती करांगा, गुरु घर विच पत कथा प्रचार करन वाला मसंद भी जदों पाप करदा गुरु ओनू भी कह दिंदा दुष्ट बन गया है। दुष्ट दा अर्थ इहदी मत मारी गई, दुष्ट हो चुका है। हुण जे असीं इह चीज़ कहीए कि महाराज मुगलां नूं मार, मुसलमानां नूं मार, जिवें साडे लोक कह देंदे, ते उत्थों दी इक साइकी है इंडिया दी कि इहनां नूं इह पॉइजन कीता जाए भी सिख तां बणी मुसलमान नूं मारन वास्ते भी नहीं। मैं बेनती करांगा बेइंसाफी ना करिए इहो जी। गुरु जी कहिंदे ने मेरे आउण दा मकसद, हम इह काज जगत मो आए, धर्म हेत इक तां धर्म स्थापन कर ले, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिथारो, धर्म का प्रचार करना आया, ना कि राज सी किसी निशाने नूं लैके। महाराज कहिंदे आ जहां तहां तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पिछारो, यही काज धरा हम जनमंग, समझ लिखो साधु सम मनमंग। अगला बचन है धर्म चलावन संत उभारन, धर्म नूं चलाण वास्ते आया वा, संत नूं उभारन वास्ते आया हाँ, धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, मैं दुष्ट बिरती वालियां दी जड़ पट्टण वास्ते आया। मैं बेनती करांगा, महाराज ने अपने आप लिए फिर शब्द की वरत्या, ये तां मकसद मैं कास लिए आया। दूजी बेनती, जिहड़ा अपने लिए शब्द वरत्या एडे कमाल दा, कहन लगे मैं हूं परम पुरख को दासा, मैं परम पुरख, प्राणी जिन्हों महाराज शब्द जा रहे, कहते प्राणी परम पुरख पग लागो, परम पुरख का अर्थ है परमात्मा वाहगुरु अकाल पुरख एको ओंकार रब जी। कहते मैं तो ओदा दास हाँ, मैं इस तमाशे विच खचत नहीं खोण आया, मैं इस विच तमाशा देखण वास्ते आया, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जग तमाशा। मैं जिहड़ी बेनती अगे कर लगा, महाराज अपने आप नूं दास कहिंदे आ, कीट शब्द वरते आ, जदों विद्वाना नूं पढ़िया उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी दी जिहड़ा सिफत करदा है वह हजूर दा हजूरी कवि है, ते ओ कवि जिस दा मुकाबला कोई नहीं, ओ कवि जिस दी रचना नूं अज भी श्री हरिमंदर साहब जी दे अंदर कीर्तन विच गायन कीता जा सकदा है। 52 कवि ने और किसे दा नहीं। मैं एक बेनती आप जी नूं करदा गुरमुखो, इनू ईरखा च प्लीज नाल जायो, कदी हरिमंदर साहब अंदर वाहगुरु का कीर्तन हुंदा सुनिया? लाइव चलता है ना जी, तुसी वाहगुरु वाहगुरु निरंतर नहीं बोल सकते, कदी तुसी ये शब्द नहीं सुनिया रहत प्यारी मुझको
कदी ये शब्द नहीं सुनिया आपे गुर चेला, कदी ये शब्द नहीं सुनिया खालसा मेरो रूप है खासे सर्वलोचक है। असल च सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब दशमेश पिता जी दी बाणी, भाई गुरदास साहिब दी रचना कबित सोरठे तिवारा, ते चौथा भाई साहिब भाई नंद लाल। इस तो इलावा कोई शब्द होर उत्थे गायन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कीर्तन की अपनी शैली है। मैं ये विरोध च नहीं भी आपां वाहगुरु शब्द नहीं कहना चाहिए, बेनती करांगा रज के जपना चाहिए है। पर याद रखियो कीर्तन की अपनी एक शैली है कि शब्द की संपूर्णता होवे, ते उस तो बाद कोई लफ्ज बोलिया जाए ते तां फिर प्रमाण लाया जाए, शब्द संपूर्ण होवे। पहला अर्ज करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने की है। ये भी आपनू पता है कि भाई साहब भाई नंद लाल बहादुर शाह दे उस्ताद सन, उन्हूं तलीम देंदे सन बहादुर शाह नूं। मैं हैरान होया आप सब नूं इन्हां ते सब नूं पता है कुरान की आयत दे अर्थ कीते, पर अज तक यह नहीं लभ्या वह कुरान की आयत केड़ी सी। बड़ा यत्न किया दास ने पूछा भी चलो कितने मिले आखिर वह किहड़ा नुकता सी जिहड़ा दरबार भी चढ़ गया ते जिन्हों कोई मौलाना जिन्हों कोई काजी जिन्हों कोई इस्लाम का आलिम उस नुकते नूं खोल नहीं सकिया जिस कुरान की आयत के नुकते नूं भाई साहिब भाई नंद लाल ने खोल दिता। यह जरूर है कि उन्हें कुरान के आयत के अर्थ किए, पर यह नहीं कहा जाता वह आयत कि है। मैं बेनती करांगा भाई नंद लाल साहब ने जिहड़े अर्थ किए ये दिल्ली च नहीं ये आगरे की धरती ते कीते सन। एक लाल किला दिल्ली है, आपनू पता होवे एक लाल किला आगरे है, ताजमहल तो सामने दिसदा उस धरती ते अर्थ कीते सन। औरंगजेब ने ये भी होर बेनती करा भाई नंद लाल साहब ने दरबार च जाके अर्थ नहीं किते, अर्थां दी चर्चा हुंदी सी ते बहादुर शाह ने कल का वक्त सब नूं दिता गया। बहादुर शाह ने भाई नंद लाल कोल जदों पढ़न गए उन्हें कहा जा आ मसला आ गया पिता दे दरबार च, भाई साहब ने बड़े सरल अर्थ समझा दिते। बहादुर शाह ने वो अर्थ आके दरबार च किते। औरंगजेब ने कहा सी पुत्र ता तू मेरा है तेरी लियाकत दा मैनूं पता है मैनूं सच दस ये अर्थ कित्थों पुछ के आया। उन्हें कहा भाई नंद लाल साहब ने वो इन्ना मुतसवी सी कि भाई नंद लाल इस्लाम च होना चाहिए है। आगरे की धरती तो भाई नंद लाल साहब ते एक मुसलमान दरोगा उन्हां दे नाल तुरे है, उस दरोगे का नाम सी जी ग्यासुद्दीन। मैं बेनती करांगा चलो हुण तां भाई साहब की रचना ना तो असी कथा कर सकने हैं, वे चलो ठीक है उर्दू ते फारसी की लिपि मिलती है, जबान ओही जिंदा रहिंदी है जिहड़ी आम बोलचाल विच आउंदी है, तुहानूं जबान संबंधी नॉलेज हो सकती है। हुण मान लो आप जी इत्थे कई सालां दे आए हो, कई शब्द पंजाबी दे ऐसे ने जिहड़े तुसीं बचपन च वरते रहे अज तुहानूं शब्द चेता भुल जांदा है, क्योंकि जदों आम बोलचाल विच्चों जिहड़ी बोली निकल जाए उहदा ज्ञान खोण दे बावजूद भी वोकैबुलरी घटन लग जाती है, बोली उही कायम रहिंदी जिहड़ी बोली जाती है। भाई नंद लाल साहिब सारे तकरीबन फारसी विच ने ते पंजाबी विच भी ने, कुछ उहनां दे वारतक ने। भाई नंद लाल साहब ग्यासुद्दीन नूं लैके आनंदपुर साहब की धरती ते आए, जिहड़ी इन्होंने पहली किताब लिखी उहदा नाम सी बंदगीनामा, गुरु गोबिंद सिंह दे सन्मुख च पेश कीती। हजूर ने उन्हें पढ़ के एक शेर लिखिया सी ए बंदगीनामा नहीं ए जिंदगीनामा है, इहदा एक एक शेर आत्मक जीवन देने वाला है। गजलां वखरियां ने ते भाई साहब जी का जिंदगीनामा वखरा है। खैर मैं बेनती करा एक उन्होंने है गंजनामा, उहदे विच गुरु गोबिंद सिंह, मैं सिर्फ पहला गुरु गोबिंद सिंह शब्द संबंधी आने लगा। गुरु गोबिंद सिंह जी की सिफत उन्हें बड़ी की, असी तीन क बचन उन्होंने लै लीए आप सब नूं चेते ने। भाई साहब उहदी शुरुआत करते ने ना सिरो, पंजाबी च उत्थे नासरू ही पढ़ने हैं, उंज वैसे फारसी च दा पाठ है नासिर ओ मनसूर गुर गोबिंद सिंह, उत्थे कट्ठा होड़ा ला दिता ना जी, नासिर ओ मनसूर गुर गोबिंद सिंह इज्जत ए मंजूर गुर गोबिंद सिंह, पंजाबी च इज्जत ही लिखा हुआ है।
फिर बेनती करा ना सिर ओ मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इजद ए मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हा करा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह सिर वे छे तुकां दे सिरथ कर लिए आने वाले दिनों च नाल नाल असीं वाची जांगे। मैं कहना उस सज्जन ने गुरु गोबिंद सिंह जी का प्यार लिया है। ये भी आप जी नूं पता होवे कि भाई नंद लाल साहब गुरु गोबिंद सिंह तो तकरीबन 23-33 साल वड्डे आ उम्र करके। गुरु गोबिंद सिंह जी दे जिन्ने तां भाई साहब दे बेटे ने, बेटे दी उम्र बनदी है, पर उस विद्वान दी आस्था नूं नमस्कार है। मैं बेनती करा उस देखो उन्हें नेड़े देखे है। एक असी कही भी चलो कवि सी चिबत करन वास्ते पैसों वास्ते, याद रखियो भाई नंद लाल ने गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार चो कदी टका नहीं लिया। उन्हां दी औलाद फरीदकोट बैठी है, उन्हां दी संतान सैन होजे तुहाडे अमेरिका विच बैठी है। डॉक्टर गंडा सिंह ने पूरा कुर्सी नामा दिता, मैं सारे परिवार नूं मिलिया फरीदकोट भी इत्थे भी। जिस वक्त इन्हां ने यह जिंदगी नामा लिखिया, हजूर ने हुक्मनामा लिखिया मुल्तान की संगत नूं कि भाई नंद लाल दे परिवार नूं संगत माया दे। इन्हें हाथ जोड़ के क्या सतगुरु साडा घर कलम की कमाई खांदा है, सारे विद्वान सन, तुसीं कृपा करो मैं तुहाडी सेवा करदा रहा पर मैं अपनी कलम की किरत नाल रोटी खावां। भाई नंद लाल साहब जे कोई कह टके की खातर, टके की खातर नहीं, वह गुरु गोबिंद सिंह लई शैदाई इन्ने कु ने, शैदाई लफज वरता दीवानगी इन्नी कु है। इथों तक कोई शब्द कहिंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी मैं आ शरीर का चोला लैके आनंदपुर तां बैठा वा, मैनू पता लगा मेरा महबूब पंज तत् दे चोले विच आया है, जिस चोले विच महबूब आया मैं अपने महबूब की खुशी लैण लई शरीर धारण किया है, नहीं तो मैनू की लोड़ है शरीर विच रहण दी। भाई साहब की पहली गजल का पहला शेर है वे हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा। हवाए दर तांग बंदगी तेरी इबादत दी तांग, वजूद दर्द सरी जाने स्ट्रक्चर कह लो ढांचा कह लो शरीर कह लो। हवाए बंदगी अवुरद दर वजूद मरा, मैनू इस वजूद विच सिर्फ तेरी प्रेमा भगती लेके आई, जे तेरी भगती नहीं करनी ते मैनू इस शरीर विच रहण दा कोई शौक नहीं। मैं बेनती करांगा हुण आ जिहड़ियां 6-17 ने, मेरा ख्याल एदू वड्डी शरदा दी केड़ी होवेगी, कोई सीमा ही नहीं है। पहला बचन कहिंदे नासिर ओ मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इहदा अर्थ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज होरना दे मददगार ने, इउं कह लो बेसहारियां दे सहारे ने। इज्जत ए मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जे गुरु गोबिंद सिंह दूजियां दे मददगार ने ते गुरु गोबिंद सिंह दा मददगार अकाल पुरख वाहिगुरु है, ये उहदे दर ते प्रामाणिक ने प्रवान होए ने। उस तो अगला बचने खाक राग गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, थोड़ी जी बेनती सुनियो, मैं इहदे अर्थ नहीं केवल करने, अज मैं शुरुआत जिहड़ी करनी चाहना। हक दा लफ्जी अर्थ है जी सच परमात्मा वाहगुरु रब अल्लाह एक ओंकार, ते गुरु साहब ने शब्द बाणी च भी वरते है हका कबीर करीम तू बे ऐ परवदगार। हक रा, रा अर्थ है दा, गंजूर लफ्ज है जी गंज, गंज दा लफ्जी अर्थ हुंदा है जी खजाना, ते गंजूर दा लफ्जी अर्थ हुंदा है जी खजानची जिदे हाथ विच कुंजी होवे चाबी होवे। हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह, इत्थे एक होर बेनती गुरु गोबिंद सिंह नहीं पढ़ना, ये भाई साहब की सारी रचना च गुरु गोबिंद सिंह है, रारे थले दुलंकड़ नहीं लगे एक कौंकड़ लगा है, आम तौर पर गुरु गोबिंद सिंह नहीं ने। नासिर ओ मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, इज्जत ए मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा दे खजाने दे खजानची ने। जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला दा लफ्ज बाणी च हुंदा बुजुर्ग बेटे, जुमला दर्थ हुंदा जोड़ मिलाप,
फैज का अर्थ हुंदा बख्शिश। गुरु गोबिंद सिंह अकाल पुरख विच अपेद है, मिलिया है, उहदे सीस उत्ते रब दे घर विचों बख्शिश दी झड़ी लगी हुई है, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब च कहा है कि होवे सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसो चटिए। वह है जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह। अगला बचन हक हक आगाह, हक दा अर्थ है सच परमात्मा, आगाह दा लफ्जी अर्थ हुंदा जी जानकार, परमात्मा दे जानकार ने गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह, गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह शहनशाह दा शहनशाह है, पातशाह दा पातशाह है। उन्होंने शब्द महाराज की होर बड़े वरते में खैर। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह की सिफत च 51 कवि होर ने, वो भी असी जिदन विद्यावीर का जिक्र करांगे उहदा जिक्र करांगे। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह की सिफत करते ने भाई गुरदास दूजे, जिहड़ी असी वार पढ़ने आ, हर सच्चे तख्त रताया सतसंगत मेला नानक निरपुर निरंकार विच सिद्धा खेला, जिहड़े लिखदे आ वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। उन्होंने महाराज लई बड़े प्यारे शब्द वरते आ। एक उन्हां शब्द वरते है वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला। मैं ना भी शब्दां च बिजली भरी पई इन्हां शब्दां च, प्रगट होया मर्द तो बनिया, वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा जिदा कोई पहुंच नहीं सकता। वरियाम का अर्थ सूरमा, गुरु गोबिंद सिंह कल्ला इस संसार विच मर्द है अगंबड़ा है, वह प्रगट होया वर प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला। एक उन्होंने सत्र होर लई, वह कहिंदे वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप गुरु गोबिंद सूरा, आपने सुनी होनी है, वह प्रगट्यो पुरख भगवंत रूप, भगवंत का अर्थ परमात्मा, परमात्मा विच रब विच अभेद होया जिहड़ा पुरख प्रगटिया गुरु गोबिंद सिंह सूरमा है। मैं सिर्फ इन्हों दिन सूरे शब्द की व्याख्या करनी 8 दिन। हजूर सच्चे पातशाह शब्द वरत्या गुरु गोबिंद सूरा, सूरमा कह लो, सूरा कह लो, शूरवीर कह लो। एक ये शब्द वरत्या जाता है जी बहादुर सूर मेले, एक शब्द वरत्या जाता है वीर। मैं ये कथा पटना साहिब की सी, फिर अमेरिका भी 2 जगह बेनती की, इतने भी भाई साहब ने हुक्म किया भी जरूर उन्होंने आप रिपीट कर लीए। गुरु गोबिंद सिंह जी लई शब्द वीर वरत्या, वीर का अर्थ बहादुर, सूरमा बलशाली, योदा। असी जदों वीर लफ्ज़ की व्याख्या करने तो तकरीबन बहु गिनती च सिख वीर शब्द नूं लड़ाई नाल जोड़ के देखते हैं। इस तरह है ना जी, असी सूरमा किसी नूं कहना होवे लड़ाई नाल जोड़ के देखांगे, पर गुरसिखो गुरमत दे दायरे च देखोगे सूरमा वीर केवल मैदाने जंग विच जूझन वाला ही नहीं है, तां उह हर खेतर विच जेड़ा बहादुरी का कारनामा करदा है उसनू सूरमा वीर ते बहादुर कहा जाता है। फिर अर्ज सुनियो, सूरमे का कर्म खेतर केवल लड़ाई नहीं, एक उहदी जिंदगी का पक्ष है जूझना, धर्म युद्ध कह चाहे, पर वीर शब्द जेड़ा इन्ना विशाल है, इन्ना वड्डा है, असी देखने का कि सूरमा शब्द हर खेतर विच लग सकता है ते जिस खेतर विच इंसान कामयाबी हासिल करता है। संस्कृत दे विद्वान एक नाटककार ने जदों वीर की व्याख्या की, उन्हें 4 तरह के वीर कहे ते उन्हां चारां की व्याख्या वक्री वक्री की, एक च सारे गुण ही दसे। संस्कृत का विद्वान कहिंदा है कि 4 तरह के वीर हुंदे ने। एक शब्द वरदा है, पहला शब्द वरदा है धर्म वीर, जिहड़ा धर्म के खेत्र विच बहादुर होवे। दूसरे सूरमे लई शब्द वरदा युद्ध वीर, जिहड़ा मैदाने जंग दे विच जूझ सकदा होवे, युद्ध वीर। तीसरा शब्द वरदा है कि दान वीर, जिहड़ा दान के खेत्र विच भी शिखर कर देवे, उन्हूं दान वीर कहा जाता है। धर्म वीर, युद्ध वीर, दान वीर, ते चौथा शब्द वरदा कर्म वीर, जिहड़ा कर्म दे खेतर विच वी बहादुर होवे। दास दे सामने ये 4 शब्द आए, कर्म वीर, धर्म वीर, युद्ध वीर ते दान वीर।
ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ, ਕਰਮਵੀਰ, ਯੁੱਧਵੀਰ, ਦਾਨਵੀਰ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਏਵੇ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਇਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਵੀਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਨਵੀਰ ਹਨ। ਯੋਧੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਮ ਵਾਲੇ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਛੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੱਟੋ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਜੇ। ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਡ ਜੇ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੰਵਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਆ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਕੌਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਤਾ ਜੋ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਸੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗੈ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨੁਕਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰੀ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਰ ਕੁੱਲ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, 8-8, 9-9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੰਮ ਪਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੰਨ ਮੱਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਨਤ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਦਵਾਨ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਦਾਨਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਵਗਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਧਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ,
धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज मैं बेनती करांगा उन्हें सानू फतेह दिती। थोड़ा जिहा विचों में निकलिया मेरा प्रकरण नहीं सी, ते मैं हर थां कहिंदा जदों तुसीं फतेह बुलांदे हो ना गुरमुखो चेते रखियो दो चीजां फतेह चों मिलदियां ने, एक सिमरन मिलदा है ते दूजा समर्पण मिलदा है। यही सीखी है, सिमरन करके समर्पण करन दी जांच आ जाए। जदों आप जी बोलदे हो वाहिगुरु ये सिमरन बन जांदा है, जी का खालसा कहिंदे हो ते समर्पण बन जांदा है। जी का उस दा वाहिगुरु जी दा पंजाबी चरते ही करांगे जो इत्थे काख है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी ये सिमरन कह, का खालसा ये समर्पण कह, वाहिगुरु जी फिर दोबारा ये सिमरन कह, की फतेह ये फिर समर्पण बन जांदा है कि खालसा भी वाहिगुरु का समर्पित है ते खालसे की फतेह भी वाहिगुरु नूं समर्पण है। वह ये नहीं कहिंदा मैं कल्ला जित के आया, यही तो सिखी दे विलखणता है। वेखो आप जी अरदास करदे हो, अरदास दे विच जदों आप जी आउंदे हो पंजवें पहरे ते पंजां तख्तां तों बाद जिथों अरदास शुरू हुंदी कि प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै चित आवण का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रहत देग तेग फतेह बिरद की पैज। अगला शब्द की है पंथ की जीत, निजी मेनू कितने पैदा नहीं होने दिता, तुसी जित के आओ, तुहाडा बच्चा जिंदगी च मान लो किसी खेत्र च बहुत उच्चा रुतबा हासिल करे, दूजी कम्यूनिटी उहदा सन्मान करे, अपने अंदर नूं पुछ के देखियो तुहाडा अंदर बैराग च कहेगा जी मेरा पुत्तर नहीं है जी गुरु गोबिंद सिंह दा पंथ जित के आया, क्योंकि जुड़िया होया उस चीज दे नाल। मैं फिर अर्ज करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी लई शब्द असी जिहड़े वरते वह कहिंदे ने चार तरह दा सूरमा हुंदे ने, धर्मवीर करमवीर युद्धवीर दानवीर। असी दो शब्द अपने कोल होर लए सन कि गुरु गोबिंद सिंह जी प्रेमवीर ने, प्रेम दे खेत्र विच उहदे वर्गा मुहब्बत करन वाला कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह विद्यावीर ने, गुरु गोबिंद सिंह जी दे मुकाबले कोई विद्या वाला विद्वान उस वेले नहीं। अरबी दे फारसी दे खास करके ब्रज भाषा दे हिंदवी दे इवन के गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिन्नी फारसी ते ब्रज भाषा वरती है इन्नी महाराज जी ने पंजाबी भी नहीं वरती। चंडी दी वार है, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा है, आ जाप साहब की है जी, फारसी है संस्कृत है ब्रज भाषा है खिंदवी है, ये भी असीं देखांगे आने वाले दिनां च। छे शब्द लसले, पहली बेनती है भी सूरा, गुरु ग्रंथ साहब मुताबिक सूरमा कौन है, गुरु गोबिंद सिंह सूरमे की व्याख्या की करते हैं। मैं अर्ज की सूरे का अर्थ शूरवीर बहादुर ताकत वाला। गुरु ग्रंथ साहब जदों सूरमे की गल करनगे जिथे फिजिकल तौर पर शरीरक तर तौर पर रण तत्ते विच जां जुल्म के खिलाफ लड़न वाले की उपमा करनगे उत्थे गुरु ग्रंथ साहब इबादत करके अपने मन नूं जितने वाले सूरमे का जिक्र भी कर। गुरु गोबिंद सिंह की सूरम गति अपना अंतर जेतु तो आप शुरू करने, एक तो आप जी पाठ कर दो गुरु ग्रंथ साहब के राग तनासरी च सूरमे की परिभाषा, केवल लड़ना नहीं मैं क्या बड़े खेत्र ने सूरमे दे, हजूर दा तनासरी राग दा शब्द जाको हर रंग लागो इस युग में, उत्थे शब्द की वरते है सूरा है, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत कह सूरा। उन्हों सूरमा क्या जाता है जिदे अंदर परमात्मा दे प्रेम दा रंग लग जाता है, फिर केड़ा सूरमा, आत्म जिने जिने दा लफ्जी अर्थ जितना, जिन्हें सचमुच बंदगी करके अपने अंदर दे मन दियां खाशां नूं जित लिया, अपने मन की हर माड़ी बिरती ते फतेह पा ली, गुरु गोबिंद सूरा है। फिर बेनती है जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै जाका सतगुर पूरा।
फिर महाराज कहिंदे ओ सूरमा ठाकुर गाइए आत्म रंग अंतर आत्मे प्रेम विच रंग के ठाकुर दे गुण गाउंदा है। गुरु गोबिंद सूरा वो अंदरों सूरमे ने गुरमुखो बारो भी सूरमे है। महाराज कहिंदे ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग। जिहड़ा सहज अवस्था विच प्रभु दे नाल समा गया वो सूरमा है। इस तो अगली बेनती सुनियो गुरमुखो, एक ता परमात्मा दे गुण गाउण वाला उहनूं सूरमा कहा। एक गुरु ग्रंथ साहिब च दो शलोक असीं पढ़ने आ जी, ते मेरा ख्याल वह तकरीबन कोई शहादत वाला दिन होवे, सिंघ दा होवे, गुरु साहिब दो गुरु साहिबाना दी शहादत होवे, इह पढ़िया जांदा गगन दमामा बाजियो, कबीर साहिब दे बचन ने, परयो निशाने कहो खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाहो। पहला बचन है। इस विच जदों सूरमे की व्याख्या है संपूर्ण सूरमा है। एक तो गगन दे विच दमामा वज्या, दमामे दर ते नगारा, नगारे ते चोट वजी गगन च, बड़ी ठिकाने ते लगी। कहन लगे हुण मौका आ गया रण तत्ते विच जूझन दा। ते मारे अगला शब्द वरदे हां कि जिस बंदे ने अंदर दे नगारे दी चोट नूं सुन के अंदर जूझ के जंग लड़ी, कृपा नाल जंग लड़ी, वह इन्ना सूरमा बन गया, देह अध्यास तो शरीर मोह तो उपर उठ गया। हुण उह शब्द कहिंदा है कि सूरमा उही है जिहड़ा गरीब ते धर्म की खातर पुरजा पुरजा कट मरदा पर कदी मैदान नहीं जाता। फिर बेनती सुनो, ये तकरीबन सारे टीकाकार गुरमुख अर्थ करदे आ गगन दमामा बाजियो। गगन का लफ्जी अर्थ जी आकाश। उंज दास बेनती करे गुरु ग्रंथ साहिब च गगन लफज जिथे आकाश का सूचक है उत्थे साढ़े दसम द्वार का सूचक है। गगन दमामा बाजियो नौदर दरवाजे जड़े ने, नौदर इन्हां दरवाजियां नूं रोक लिया जिन्हें, दसम द्वार च अनर्द शब्द का नगारा वजदा है। मैनू नहीं सुनींदा तो मैं खंडन ना कर लग पाऊं। परमार्थ भी तो बहुत कुछ सारे थोड़ा हंडाते पे, इहदा मतलब भी नहीं जिहड़ा मैनू नहीं मिलिया वह हुंदा ही नहीं। नौंदर ठाके धावत रहाए दसवें निज कर वासा पाए, उथे अनद शब्द वजै दिन राती गुरमती शब्द सुना मने। गुरद खलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी, गुरु ने बॉडी दे ओ रस्ते दिखा दिते जिथे वासना इंटर कर दी है। उन्हें क्या अखा नहीं मोरी ली, बड़ा कुछ अंदर जाता है, कन मोरिया ने अंदर जाता है वासना। गुरद खलाई मोरी जित मिर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरबाजे बाजी अले अनहद बाजे। ये गगन दमामा आकाश दे विच अनहद नाद का नगारा वजिया है। यह सुरमिया की चढ़ाई है। गगन दमामा बाजियो परियो निशाना कहो खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाव। अगे महाराज कहिंदे जिहड़ा देह विच नरलेप हो गया, अंदर दी वासना नूं जित लिया, फिर वह कहिंदा सूरा सो पहचानिए, उस नूं सूरमा कहो जो लड़ै दीन के हेत। जिहड़ा धर्म लई मजलूम लई लड़दा है, लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े, खेत टुकड़े टुकड़े हो जाता है पर कदी अपना मैदान नहीं छाड़ता। इसनू फिर थोड़ा सुनियो, मैं थोड़े जे शब्द लैने ने, पैसे पांच दस मिनट ला ला ना। सूरमा जिहड़ा शब्द है, एक तो यह वरत्या शब्द सूरा। एक गुरु ग्रंथ साहिब च बचन आउंदा है नाणा रण रुतो नर नेही करै, नाणे अखर नहीं, नाणा रण रुतो नर नेही करै, ना निवै ना फुन संचरै। दो तुका लै ली असी, तन जन्म ताही को गणे, मारे एक ता जाए कणे। इस तुक दे अर्थ थोड़े सुनियो। नाणे अखर रही सूरमा ओवे जिहड़ा मैदान दे विच युद्ध संघर्षशील ही रहिंदा है। अंतरीवी अर्थ की इहदे ने, इह बार भी टुकणगे। नाणा रण रुतो नर नेही करै, जिहड़ा सचमुच मैदाने जंग दे विच रुता रहिंदा मंडिया रहिंदा, ना निवै ना दुश्मन दे सामने झुकदा, ना फुन संचरै,
ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉੱਠੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਲੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਡਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਉੱਠੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖਦਾਇਕ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਰਣ ਰੂਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਰਾਣੀ ਪਦਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਦਮਾਵਤੀ ਚੰਬੇ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੋਕ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਸੇਵਕਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੜੀ, ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋ ਗਣੈ ਮਾਰੈ ਇੱਕ ਹੈ ਤਜ ਜਾਏ ਘਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰਾ ਕੈਸਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਥਾਵਾਚ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣਾ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸੂਰੇ ਬਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਇਹਨੂੰ ਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਸੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਮਤਾ ਇਹਦੇ ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਸੂਰਮਾ, ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੋਲਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਦੀ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਮਰਹੱਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੈਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਰਨੈਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੁਫਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਸਕਣੇਗਾ? ਉਹ ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ
कि सूरमा किवें यह शब्द है क्यों लीजै गढ़ बंका भाई देवर कोट अर तेवर खाई पांच पचीस मोह मद मदसर आडी परबल माया। पहला शब्द पढ़ लीजिए, जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करूं रघुराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मन मावासी राजा। स्वाद सना टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तिशना तीर रहे घट भीतर इं गढ़ लियो ना जाई। बस ये शब्द इं समझो जेड़े असी कहने ना साड़ा मन क्यों नहीं टिकदा। बस कबीर साहब कहिंदा मैं तेनू दसा क्यों नहीं टिकदा। ये बड़े सरल जे अर्थ आप करांगे जेड़े समझ पै सकन। काम केवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मन मावासी राजा। हुण अगे सूरा गुरु गोबिंद सूरा, प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अग्न सहजे पर जाली एकै चोट सजाया, एकै चोट सजाया सत संतोख ले लरले लागा तोरे दोए दरवाजा साध संगतर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। भगवत पीर शक्त सिमरन की गुरु गोबिंद सूरा, भगवत पीर शक्त सिमरन की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अविनाशी। गुरमुखो आजे गुरु गोबिंद सिंह दी अंदर दी लड़ाई दी जुगत। मैं उन्हां दी बाणी चो बेनती करनी, कईआं दे मन च आएगा भी कोट तां गुरु ग्रंथ साहिब दीआं तुकां कर रहे, उन्हां दा भी एक महाराज की कृपा नाल सवैया आपां वाचने। इहदे अर्थ की ने, क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, इहदे लफ्ज़ वरतने गढ़ राड़े नाल जी, इत्थे गढ़ वरत्या। वैसे इहदा अर्थ भी किला है, बंका दा अर्थ हुंदा पक्का पीढ़ा। कहिंदे आ आह जिहड़ा शरीर दा किला बड़ा पक्का बनिया पिआ है, इहनूं किवें फतेह करां। किला है ना जी, तुसीं जिन्हां ने किले देखे उन्होंने पता है किला अक्सर उच्ची थां ते हुंदा है, उहदे चार चुफेरे खाई हुंदी है। पहला खाई हुंदी सी पानी भर देना, जां फिर की हुंदा सी किले दो बाहर भी फसील हुंदी सी दोहरी कंध। महाराज कहिंदे ने मैनूं दसो कबीर साहब आ शरीर किला है इहनूं किवें काबू करां, क्यों लीजै गढ़ बंका भाई दोवर कोट अर तेवर खाई। दोरी ते कंध है, सुनो इसनूं, किले दा अर्थ शरीर, दोवर दा अर्थ दवैश मेरा ते तेरा। ये कंध है साडे अंदर, ये अंदर ही नहीं वड़न दिंदी किसे नूं। मेरा पुत्र मेरा परिवार मेरा धर्म मेरा कर्म दवैश, ये दो दरवाजे दो कंधा ने बड़िया पक्या, ये कितने गुणा नूं अंदर जान दिंदियां। तेवर, तेवर दा अर्थ करांगे त्रै गुण, रज गुण तम गुण सत गुण माया। यदि खाई भरी पी प्यार हुए तीन गुण ही नहीं, आ सत गुण भी माया है। तीन गुण राज जिथे राजसी बिरती तामसी बिरती ते शांत की के जरा सत गुण है। हुण सतो गुण मान लो असी पाठ कीता सेवा कीती, जदों ये फुरना उठ्या मैं आ कीता मैनू एदे बदले आ दई, चेते रखियो सेवा जरूर परमारत दी है पर माया दा गुण असर कर गया मैनू शांत की सुभा नाल आ चीजां दे दी। ये सतगुण भी माया है। महाराज कहिंदे देवर कोट अर तेवर खाई, आ तीन गुणा की खाई है। फिर सुनियो दवैश दियां कंधां ने शरीर किले ते माया दे तीन गुण खाई ने। देवर कोट अर तेवर खाई पांच पचीस मोह मद मद सर, तो कहां सुनियो कहिंदे मन नूं किवें काबू करां। पांच दर ते पांच वकार, पचीस दर ते पच्ची प्रकिरतियां। चलो यदि व्याख्या बहुत लंबेरी हो जानी है। पांच वकार पच्ची प्रकृतियां मोह मद मत सर, मोह हंकार दा नशा, मत सर दा अर्थ दूजे दे गुणा नू बर्दाश्त कदी ना करना। कहन लगे दाता की करा मेरे मन दे दुआले ताए बैठे हुए आ, सूरमा किवें बनागा। मोह मद मत सर आडी परबल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे वाहगुरु मेरिया बाहां खड़िया हो गई मेरे गरीब तो किला फतेह नहीं होना। कहां करूं रघुराया, वैसे रघुराया का लफ्जी अर्थ रामचंद्र बनता है, ये सूचक शब्द अकाल पुरख लिख है। कहां करूं रघुराया,
हुण अगला बचन सुनियो, गुरु गोबिंद सिंह जी सूरमे ने कैसे सूरमे पैदा किते। पहला तो किला हो गया ना जी, उंज वैसे ये शब्द पूरा एक महीना आनंद आ जू जे कि ध्यान नाल कोई सुने ते। ये चीजा ने माया दे तीन गुण ने, द्वैश है मोह है। हुण उस तो अगे की भाणा वापरदा है कि इहदे दरवाजे पता कादे ने। तुसीं देखो जदों किसे किले जांदे तीन स्टैप हुंदे ने, एक दरवाजे अगे खलोता संतरी, एक दरवाजा ते तीसरा जिहदे ऑर्डर नाल दरवाजा खुलना, एक गेट कीपर, एक ऑफिसर जिहड़ा बैठा हुंदा जी। ये इत्थे ते नहीं पर उत्थे आपां देखने जी, दरवाजा दरवाजे नूं खोलण वाला जिहदे ऑर्डर नाल दरवाजा खुलना। महाराज कहिंदे आ काम किवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा। सिर्फ दरवाजे ते प्यारे पांच लफ्ज वर दिते, काम केवारी, केवारी मीनस जिदे कहन नाल दरवाजे खुलने ने। वैगुरु ए किले दे भूमिया नूं मैं की करा, मेरिया अखां, मेरे कान, मेरी नासका, मेरी जननिंद्री, ए सारे दे सारे दरवाजे उदो खुल दिया जदों काम ऑर्डर करदा है। काम दे अधीन ने, काम ने फुरना बनाया, अखां देखन लग पईआं, सुन लग पए। दुख सुख दरवानी जदों इहदे कहन ते बूआ खुलेगा, बस दो ही चीजा मिलनिया ने, थोड़े समय का सुख मिलेगा, नाल सदा ली दुख मिल जाएगा। दोवें दरवाजे ने दुख ते सुख, काम केवारी दुख सुख दरवानी। ते इस तो बाद दा फल की बनेगा, जे ते दरवाजा खुल गया कि बंदगी ले, इन्हां अखां नाल बाणी भी देखी, इन्हां अखां नाल संगत दे दर्शन किते, इन्हां अखां नाल किसे रंग रतड़ी रूह दे दीदार पाए, ये पुन बन जाएगा। जे अखां नाल गंध अंदर सड़दे रहे ते इहदा रिजल्ट पाप बन जाएगा। उत्थे शब्द काम किवारी दुख सुख दरवानी पाप पुन दरवाजा, पाप ते पुन दी पित है। ते महाराज कहिंदे ने क्रोध प्रधान जिहदे आर्डर चलदा अंदर वह गुस्सा है। ये सारिया वाशना जिते हुण सब तो ज्यादा जिहड़ा जिन्ना बंदा विषयी होवेगा उहना खिमा करियो ज्यादा गुस्से लद कई वारी पा सकदा है। क्रोध प्रधान महा बड़दुंदर तै मन मावासी राजा, मन इन्हां दरवाजिआं तो पिछे जिथे क्रोध बैठा है, क्रोध इहदा खेड़ा छड्डदे नहीं, नाल रहिंदा है। ते मावासी दा अर्थ है चंद्रिया मना है, तू परमात्मा दी जोत सै भैड़िआं दी संगत करके अपने प्यो दे ही बागी हो गया। आकी हो गया ना, मन तू जोत सरूप है, पर जोत सरूप नूं संगत मिल गई माड़िआं दी, अपने प्यो दे नाल ही विड के बह गया, परमात्मा नाल ही विड के बह गया। विड शब्द आप समझते हो ना, उहदे नाल ही लड़ाई कर लग पिया। क्रोध प्रधान महा बड़दुंदर तै मन मावासी राजा। हुण अगां ये मन ने तैयारी की कीती जी, अज भी चलो वर्दन टोप नहीं पाते लोह का, अज बुलट प्रूफ कहिंदे हो, पहला संजो पाते सन जी लोहे दीआं वर्दियां। कहन लगे इन्ना चलाक मन है, इन्हें जिन्नियां इंद्रियां दे स्वाद ने वह सारियां दी वर्दी पाई है, नाम का तीर नेड़े लगन ही नहीं देंदा। स्वाद सना टोप ममता को, इन्हें अपने उत्ते जिहड़ी टोपी पाई लोहे दी उहनूं ममता मैं मेरी दी, जिवें कल आपां अगे भी आवेगा महाराज जी दे सलूकां च आउणा जी। हजूर कहिंदे ने स्वाद सना टोप ममता को कबुत कमान चढ़ाई, भैड़ी बुद्धि की कमान पाई बैठा है जी मन। तिशना तीर रहे घट पीतर, ते कमान चढ़ाने वाले तीर केड़े ने तृष्णा दे, इउं गढ़ लियो ना जाई परमात्मा। मैं हाथ जोड़ के कहना मेरी बस होगी, मैं किला नहीं जित सकता। इथों तक साढ़े अंदर की सिचुएशन दसी जी, ये सच्ची जी ये खंडाई है, वे मनो चाहे ना मनो, जदों किते काम क्रोध लोभ मोह ईरखा निंदिया चुगली तृष्णा ममता आउंदी मन खिंडदा है। अगे फिर सतगुरु ने दसिया कि सूरमा कौन है। अज भी याद रखो, किसे जमीनी दुश्मन नूं खत्म करना होवे ते जमीनी लड़ाई बाद विच कीती जांदी, पहला हवाई लड़ाई लड़ी जांदी। एयरफोर्स तुहानूं अज भी देखो, अज तुहाडा मुल्क कोई भी मुल्क है, किसे भी थां ते जदों किसे नूं जमीनी फौज नूं तोड़न वास्ते हवाई युद्ध होवेगा, एयरफोर्स काम करेगी। महाराज ने बड़ी कृपा की, कहन लगे कल्ला किले नेड़े ना जाए मर जाएगा,
तू जो यतन करना तेरी पिठ लग जाती। एक तो तू गुरु की असीस लै, दूजी गल कहने गुरु ने मैनू एक मिसाइल दी, तोप दी जिन्हों सुरत कहने खा, तो सुरत की तोप इन्नी तेज है प्यारे, ये फर्श से बैठा होया रब दे घर अर्श तक पहुंच जाती सुरत। सुरत की तोप दी, ए गुरु के बख्शे हुए प्रेम का शब्द का बरूद भरिया। तो पुराने समय पलीता लाते सन, बजुर्गों पता होना पलीता दागया जाता सी तोप न जी, अग ला के ना पलीता लाते सन। तो मैं पता जयपुर तुम गए हो तो एक तोप है किले उत्ते, एडे कमाल की भारी तोप, वो पिछले पासे पानी का टैंक होज बनया जिहड़ा पलीता दिंदा सी ना, वो इको दम अग ला के पानी में टुब्बी मार जाता सी, धमाका इन्ना सी पलीता लाण वाला भी टुकड़े टुकड़े हो सकता सी, वो पानी च वड़ जाता सी, हुण तां सुक्का पिया। प्रेम का पलीता लाया, सुरत की तोप लई, वाहिगुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहब के शब्द का बरूद भरिया। कहन लगे काबू नहीं सी आउंदा, इको तोप ने टिकाने ते मारिया, किला पाड़ के रख दिता। मेरी बेनती है सुनियो, युद्ध है मुश्किल, गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह नहीं कला बार की लड़ाई, बार तो वजीद खां बड़ा लड़ गया, औरंगजेब लड़ गया, पहाड़ी लड़ गए, जेडे केवल बार दे सूरमे सन अज उन्हां दा नामो निशान नहीं। मेरा गुरु गोबिंद सूरमा जरा अंदर ते बार दा जेतू सी, रहिंदी दुनिया तक उहदा नां रहेगा। वह केवल बार दे सन। हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ने प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अग्न सहजे परजाली, एक है चोड़ सजाया। ब्रह्म अग्नि बाली, तृष्णा अग्नि नहीं, बिरह अग्नि नहीं, केवल ब्रह्म अग्न। ब्रह्म अग्न सहजे परजाली, एक है चोड़ सदाया। जो किला टुटिया सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दोए दरवाजा, आ जिहड़े पाप पुन दरवाजा सी तुम्हें तोड़ क्यों मारे, तोरे दोए दरवाजा, साध संगतर गुर की कृपा ते पकड़ियो गढ़ को राजा। गुरु गोबिंद सूरा ओवे जिन्हें सिख दे अंदर का दुश्मन भी फतेह किया होया है। तां सी सुरे सूरे तो शुरू किया। आओ गुरु गोबिंद सिंह का एक बचन असी पढ़ लीए, तुम बड़ी बारी सुनिया हो, वो है धन जियो ते को जग में, मुख ते हर चित में युद्ध विचार है, दे अनित ना नेत्र है, जस नाव चढ़े कृष्ण अवतार, जस नाव चढ़े भव सागर तार है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज ये ऐसी शब्द की व्याख्या कर रहे जो असी कबीर साहब का पढ़िया। हजूर कहने तन जियो ते को जग में, मुख ते हर चित में युद्ध विचार है, दे अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़े पव सागर तैयार है। ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै, कातुरता कुतवार बहार है, हाँ तीरे धाम बनाए, ए तन बुद्ध स्यो दीपक ज्यों जिया रहे। एक एक अर्थ थोड़ा सुनियो, अर्था यह ने धन जियो, ओ धनता योग ने ओ मनुख सूरमे, मुख ते हर चित में युद्ध विचार है। अर्थ ये हो गया, मुख तो हरी बोले वाहगुरु बोले, चित विच युद्ध की ब्योंद बनाए, यह तो फिर कपट हो गया। जिन मन होर मुख होर से कांधे कच्चिया, हमू मर्द बाय दि शबद सुखनवर, ना शिकमे दिगर दर दहाने दिगर, इहदा मतलब की है गुरमुखो? यह सवैया गुरु गोबिंद सिंह जी का रूहानियत की शिखर है। मुख तो वाहगुरु बोलो, चित कई बार वाहगुरु नहीं बोलता हुंदा। सुनियो जो सूरमे ने सिमरन करना है, अंदर नू फतेह करना है, जिमें बाहरों मुख तो तू वाहगुरु बोल, खरी बोल, शब्द बोल, तेरा मन जदो बाहर नू भटके, चित गंदे ख्याल पैदा करे, चेते रखी उस चित ना लड़ाई दी ब्योंत बनाई, इस फुरने नू मैं किवें रोकना है। इहनू थोड़ा जिहा आप जी बेनती चंगी लगे तो मान लिया जे, चलो आप रात नू भी जाप करने हैं जी, सिमरन करदे आ। तुसी देखो हुण कीर्तन करदे आ, कल एक सज्जन पुछ रिहा सी कि कीर्तन सुनदे आ नाल सिमरन कर सकने, मैं क्यों नहीं कर सकते, स्वाद ही बड़ा हुंदा है। जो भाई साहब शब्द पढ़ते हो जपो तो एको नामा, अंदर वाहगुरु वाहगुरु चले। हुण कई कहणगे फिर जी फिर ध्यान तो शब्द वल नहीं, नहीं
ध्यान शब्द च ही रहिंदा है, चित में युद्ध विचार है। हुण मान लो असी सिमरन कर रहे हैं, मुंह तो बोलिया वाहिगुरु, ते मन दा फुरना जिहड़ा वह किसी वासना च प्रविरत हो गया, ते किन्ना चंगा होवे उस फुरने नू, उस थॉट नू, उस ख्याल नू, ना तुहाडे कोल बैठा जांदा, ना कथा वाला जांदा, ना कीर्तनिया जांदा, थॉट नू डांगा नाल नहीं खत्म किया जांदा, थॉट नू थॉट ही खत्म करदा है, ख्याल नू ख्याल ही मारदा। फिर सुनो, फुरना है, फुरना उठिया वासना दा, जिन्ने समय च आ वाहिगुरु कह रहे हो, ते विचू ही तुक पढ़ लो कि राख पिता पर मेरे चेते रखियो, चित में युद्ध विचारे हो जाएगा, तू कृपा कर मैनू इस तो बचा लै। धन जियो ते को जग में, मुखते हर चित में युद्ध विचार है। ते एक गल ध्यान नाल सोचे, देह अनित, अनित दा अर्थ जिन्हें खत्म हो जाना, नित नहीं रहना, देह अनित अज है कल नू नहीं, देह अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़े परमात्मा दी सिफत सलाह दी बेड़ी ते चढ़े, सिमरन दी किश्ती ते चढ़े, सिमरन दे जहाज ते चढ़े। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सूरमा कौन, असी अक्सर पढ़ने महाराज शब्द वरत रहे आ, दे अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़े भाव सागर तारे, जिहड़ा सिमरन दी बेड़ी ते चढ़ेगा वह भाव सागर तो पार होवेगा। धीरज धाम बनाए यह है तन, बाहर दे किले नहीं गुरु गोबिंद सिंह ने केवल बनाए, कह लगे धीरज का किला बना, तेरा अंदर धीरज वाला होवे, होछा बंदा काला बंदा परमार्थ छेती कित्या कमा नहीं सकता, काला बड़ा पैंदा। आ जिन्ना कोई तुसी आ भटकी भटकियां रूहां देखते पे हो, खिमा करो सारे काले चोने, इस तरह क्यों नहीं हो गया, इस तरह क्यों नहीं हो गया। हुण बंदा ना इस तरह करता पे जिवें छेती सफर करके इंडिया पहुंच गया, नैट ते आ गल हो गई। देखो ये बंदे दे बनाईयां गल्लां ने, ये होर भी छोटियां हो सकदियां ने, जो रब ने बनाया वो कुछ रहना है। बच्चा 9 महीनों च पैदा होंदा है, 9 महीने लगनगे, धीरज रखने पैना। जे रुख धरती तो जमदा फल लगदा टाइम लगेगा। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने अंदर दा सूरमा धीरज वाला चाहिदा, खोछा बंदा नहीं चाहिदा, ते धीरज इन्ना चाहिदा है। संपै देखना हरखी है, बिपत देखना रोए, ज्यों संपै तो बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। धीरज धाम बनाए तन, अपने धीरज का घर बना। बुद्ध स्यो दीपक ज्यों जिया रहे, तेरे अंदर चंगी बुद्धि का दीवा बले, समत होवे तेरे कोल। बुद्ध स्यो दीपक ज्यों जिया रहे, ज्ञाने की बडनी, बडनी का अर्थ बौकर, मांझा झाड़ू, गुरु दे ज्ञान की झाड़ू लै, ज्ञाने की बड़ी बड़नी मनो हाथ लै, मन दे हाथ विच ज्ञान दी बौकर पकड़ा। कातुरता कतवार बहार है, जिहड़ा कायर पुणा है इहनू चंगी तरह खोंज के अपने अंदरों बाहर सड़ दे, ऐसा सूरमा गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया है। मैं अर्ज करांगा, सब तो पहला असी आए सिर्फ सूरमा शब्द लिया है। गुरु साहिब कहिंदे नानक सो सूरा वरियाम, जिन विचों दुष्ट अंग करन मारिया, ऐसो कौन बली रे जिन मिल मारे पंच सूर वीर, सो पूरा है कली रे। मैं बेनती करांगा कल नू दोपहर दे दीवान च असी इसे लड़ी नू अगे सब तो पहला दास बेनती करनी चाहेगा गुरु गोबिंद सिंह पीर प्रेम वीर ने। वो रब नू बड़ा प्यार करते हैं, सिमरन नू बड़ा प्यार करते हैं। चेते रखियो कला सिमरन नू नहीं, पटने की धरती होवे, आनंदपुर साहब की धरती होवे, पौंटा साहब होवे, जे कोई इस इच्छा नाल बैठा है मैं राम दे रूप च देखना है, उहदे मोढ़ियां ते चढ़ जांदे आ। जे कोई कहिंदा मैं पुत दे रूप च बहना, उहदी झोली च पुत्र बन के बैठ जांदे आ। उह प्रेम वीर ने। कल नूं आपां इहदी विचार करांगे। आप समूह संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद जी।